गुड मॉर्निंग क्लास. टुडे वी आर स्टार्टिंग 7.1 एक्सरसाइज रिमेनिंग सम्स दैट वी डन लास्ट लेक्चर. टुडे इज आवर सेकंड लेक्चर ऑफ चैप्टर 7 एंड 7.1. सो लुक हियर, इस पर्टिकुलर सम इज गिवन कि सो दैट ट्रायंगल एपीबी कॉन्ग्रुएंट टू एक्यूबी एंड बीपी कॉन्ग्रुएंट टू बीक्यू. तो सबसे पहले हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल, दो ट्रायंगल बन रहा है, ए क्यू बी का ट्रायंगल बन रहा है. अब यहाँ पर ए पी बी इक्वल टू ए क्यू बी क्यों इक्वल है, क्योंकि बिकॉज सारे एंगल क्या हैं 90 डिग्री है, सारे एंगल क्या है 90 डिग्री है. यहाँ पर ए बी, ए बी क्या हो जाएगा आपका कॉमन हो जाएगा, क्या हो गया आपका कॉमन हो गया. अब कॉमन होने के बाद तो यहाँ पर हमारा ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए क्यू बी. क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि बिकॉज ऑफ एंगल एंगल एंड साइड, बिकॉज ऑफ एंगल एंगल साइड के हिसाब से वो क्या होता है कॉमन होता है. और आपका बी पी कॉन्ग्रुएंट टू सॉरी बी पी कॉन्ग्रुएंट इक्वल टू बी क्यू बिकॉज ऑफ सी पी सी टी. अब ये आपको प्रूफ होता है साथ में साथ कि बी इज इक्विडिस्टेंस डिस्टेंस फ्रॉम एंगल ए. ये आपका हो गया कंप्लीट सब. अब उसी में सिक्स नंबर जो कि हमारे 7.1 का लास्ट है, अब उसमें दिया हुआ है कि ए बी ये हो गया आपका सी. ठीक है, यहाँ से आपका ये बना, ये हो गया आपका ई, ये हो गया आपका डी, ये ऐसे ड्राइंग बनता है. इतना क्लियर. और यहाँ से ये भी हो रहा है. अब इसमें हमें शो करना है सो दैट बी सी इक्वल टू डी ई एज वेल एज ए सी इक्वल टू ए ई और साथ में ए बी इक्वल टू ए डी. वो आपका क्या है आपके स्टेटमेंट में दिस बुथ है गिवन पार्ट. ये क्या आपका गिवन गिवन है. तो सबसे पहले हमें ध्यान ये रखना है कि एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इक्वल टू ई ए सी वो क्या आपका है गिवन है. और एंगल बी ए डी प्लस डी ए सी इक्वल टू ई ए सी प्लस डी ए सी वो उसके बराबर होता है. और यहाँ पर हमने क्या किया है दोनों साइड डी ए सी को ऐड किया है एंड डी ए सी बोथ साइड. ओके, इसीलिए हमने दोनों साइड वहाँ पर ऐड किया है ताकि वो आसानी से हमें सॉल्व करने में इजी हो जाए. अब ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर हमारा बी ए सी किसके बराबर होता है ई ए सी के बराबर होता है. ओके, नाउ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई, ए बी किसके बराबर है ए डी के बराबर है, ए बी बराबर ए डी ये आपका क्या है गिवन. सेम तरीके से ए सी बराबर ए वो आपका क्या है गिवन है. इतना क्लियर. जब ऐसा होता है तो एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल डी ए ई ये हो गया आपका साइड एंगल साइड के हिसाब से पहला कंडीशन प्रूफ. अब इसके साथ साथ आपका बी सी किसके इक्वल है डी के, तो बी सी इक्वल टू डी ई बिकॉज ऑफ सी पी सी टी. इतना क्लियर. तो यहाँ पर आपका होता है प्रूफ. यहाँ पर हमारा 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होता है.
अब हम 2 मिनट के बाद 7.2 रिफर करेंगे, सो एक बार आप इसको रिवाइज कर लो, खाली एक बार देख लो, ऑब्जर्व कर लो। नाउ वेलकम बैक इन आवर सेकंड पार्ट ऑफ 7.2 एक्सरसाइज। इन लास्ट वी हैव डिस्कस 7.1 एक्सरसाइज दैट वी कंप्लीट, नाउ वी लुक हियर 7.2 एक्सरसाइज। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायंगल इज गिवन, उसमें आपका बी, ये आपका ए, बी और सी, ये आपका ओ हो रहा है। हमें यहाँ शो आउट करना है सो दैट ओ बी इक्वल टू ओ सी और ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए, ये हमें यहाँ पर शो आउट करना है। अब जैसे हमें पता है सबसे पहले ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी क्या है, ए बी सी का इक्वल है। अब ए बी सी इक्वल टू ए सी बी, साथ में हाफ ऑफ ए बी सी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी बी। अब ये पार्ट और ये पार्ट जो वैल्यू है सी बी ओ इक्वल टू बी सी ओ, क्योंकि दोनों क्या हैं ओ बी एंड ओ सी आर बाइसेक्टर, वो क्या है आपके बाइसेक्टर है, इसीलिए यहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पर ओ बी किसके बराबर है, ओ सी के बराबर है। सो हाफ ऑफ ए बी सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी बी, उसमें आपका ए बी ओ बराबर ए सी ओ, इतना क्लियर। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि ए बी बराबर ए सी, ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, और ओ बी सॉरी ओ सी किसके बराबर है, ये आपका क्या है गिवन है, ठीक है। ये हो गया आपका पहला प्रूफ। अब साथ में दिया हुआ है ए बी ओ इक्वल टू ए सी ओ, वो भी क्या हो गया आपका प्रूफ हो गया। अब ए बी ओ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए सी ओ, वो हो गया आपका प्रूफ। ओके किसके हिसाब से, साइड एंगल, साइड के हिसाब से। अब यहाँ पर ए बी ओ इक्वल टू सी ओ बाई सी पी सी टी, और यहाँ पर हो गया ए ओ बाइसेक्ट टू एंगल ओ, ये हो गया आपका प्रूफ। इतना क्लियर, एक बार आप देख लो। अब क्वेश्चन नंबर 2 में ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है ए बी एंड सी, आपका डी क्या है एल्टीट्यूड से, जो कि हमें इस पर शो करना है कि ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, और इसमें आपका ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये भी हमें आपका यहाँ पर शो करना है। दैट मीन्स ये दोनों चीज़ें हमें शो करनी है। ओके सो सॉल्यूशन आपका चालू हो रहा है यहाँ से। अब सबसे पहले आपका ट्रायंगल ए बी डी
और ट्रायंगल एसीडी, दो ट्रायंगल मिल रहा है हमें। अब इसके हिसाब से एडीबी इक्वल टू एडीसी बिकॉज ऑफ 90 डिग्री इसके हिसाब से। अब यहाँ पर आपको देखें 90 डिग्री हमेशा राइट एंगल में बनता है, उसे आपको वहाँ पर कॉन्सनट्रेट करना होगा कि राइट एंगल हमेशा वहाँ पर देखा जाता है। इतना क्लियर ऑल ऑफ यू। अब यहाँ पर जो बी डी है वो किसके बराबर है, सी डी के। बी डी किसके बराबर है, सी डी के, ओके। और साथ में ए डी इज इक्वल टू ए डी, दोनों बिकॉज कॉमन, बिकॉज ऑफ कॉमन, ओके। नाउ ए बी डी इक्वल टू ए सी डी बिकॉज ऑफ साइड एंगल साइड। तो ए बी बराबर ए सी बिकॉज ऑफ सी पी सी टी रूल। और यहाँ पर सो ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसो एस सेलेस ट्राइंगल। ये हो गया आपका प्रूफ। इतना क्लियर। अब थर्ड नंबर, चलो क्वेश्चन नंबर टू एक बार आप रिफर कर लो। अब क्वेश्चन नंबर थ्री के अंदर ऐसा दिया हुआ है कि सबसे पहले ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल ए बी एंड सी, इसमें आपका देखा जाए तो एफ बन रहा है और ई बन रहा है। सो दैट इसमें शो करना है कि एल्टीट्यूड्स आर सेम, ट्रायंगल एबीसी के अंदर, ट्रायंगल एबीसी के अंदर आपका एबी इक्वल टू एसी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, किसके अंदर, इन राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स क्या, 90 डिग्री। अब यहाँ पर आपका देखा जाए तो बी सी एफ इज इक्वल टू सी ई बी बिकॉज ऑफ 90 डिग्री। तो यहाँ पर हो रहा है एफ बी सी इक्वल टू ई सी पी। ये हो गया आपका पहला प्रूफ। अब सेकेंड पार्ट, बी सी इक्वल टू बी सी बिकॉज ऑफ कॉमन, हमें कॉमन को ध्यान में रख के चलना है। तो हो गया आपका बी एफ सी इक्वल टू सी ई बी बिकॉज ऑफ एंगल एंगल साइड। हो गया आपका बी इक्वल टू सी एफ बिकॉज ऑफ सी पी सी टी। ये हो गया आपका। इतना क्लियर। अब इतना क्लियर होना फिर। अब क्वेश्चन नंबर वन और टू एक बार आप देख लो। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, लुक हियर, ट्रायंगल इज गिवन, ट्रायंगल इज आपका, ट्रायंगल इज गिवन, उसमें से आपका ए बी सी एंड डी आपको दिया हुआ है कि सो दैट ए
B E congruent to A C F, हमें ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ बी ई इक्वल टू सी एफ, वो आपका आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपका देखा जाए बी ए ई इक्वल टू सी ए एफ, वो क्या हो जाएगा आपका कॉमन, क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। सो बी ई ए इक्वल टू सी एफ ए बिकॉज ऑफ 90 डिग्री, बिकॉज ऑफ 90 डिग्री। अब ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी एफ बिकॉज ऑफ सी पी सी टी। अब यहाँ पर सी पी सी टी के साथ में एंगल एंगल साइड के सबसे आपका इम्प्रूव होता है, ठीक है। अब ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी है बिकॉज ऑफ, ये हमें क्या करना, ये देखो ये आपका सो दैट करना था सी पी सी टी। और ट्राइंगल ए बी सी क्या है, वो आपका आइसोसेलेस आइसोसेलेस ट्राइंगल। इतना क्लियर, चलो एक बार आप फिर देख लो ए बी सी आपका डी एल्टीट्यूड्स है, हमें दिखाना है कि ए बी सी ए बी कॉन्गुएंट टू ए सी, अब साथ में दिखाना है कि ए बी इक्वल टू ए सी, वो भी दिखाना है। तो सबसे पहले ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ, ए बी सॉरी तो ट्रायंगल ए बी ई और ट्रायंगल ए बी एफ के में जो बन रहा है वो आपका यहाँ पर दिखा रहा है कि बी किसके बराबर है सी एफ के है, वो आपको दिया हुआ है। और बी ए ई किसके है सी ए एफ के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखा जाए तो सबसे पहले ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा किस तरीके से यहाँ पर सॉल्व हो रहा है, जो आपका ये है यानी कौन सा देखा जाए तो एंगल बी ए ई किसके करूँ बी ई ए के इसके बराबर है, और यहाँ पर आपका एंगल सॉरी आपका इस तरह यहाँ पर प्रूफ होता है कि आपका ये क्या है ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 5, तो सबसे पहले उसमें ऐसा है कि आपका दिया हुआ है ए बी सी एंड डी। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा शो आउट करना है कि आपका ये पार्ट इक्वल टू ये पार्ट है, और ये दोनों पार्ट वैल्यू दिया हुआ है, ये दोनों यहाँ पर है। अब यहाँ पर ऐसा है कि सो दैट ए बी डी इक्वल टू ए सी बी, ए सी डी हमें प्रूफ करना है, ये आपका क्या है प्रूफ करना है। तो सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर किसके अंदर ट्राइंगल ए बी सी के अंदर आपका ए बी किसके बराबर है ए सी के, और ए बी सी इक्वल टू ए सी बी बी, ये आपका फर्स्ट नंबर। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल
ट्रायंगल इन डीसीबी के अंदर, ये हो जाएगा आपका बीडी बराबर सीडी। तो डीबीसी बराबर ट्रायंगल डीसीबी, ये हो गया आपका नंबर टू। अब हम क्या करेंगे, ऐड वन एंड टू, दोनों को ऐड करने पे हमें कितना मिलता है, आपका मिलता है यहाँ पर ए बी सी प्लस डी बी सी इक्वल टू ए सी बी प्लस डी सी बी। तो यहाँ पर हमारा प्रूफ होता है कि ए बी डी इक्वल टू ए सी डी, हो गया आपका। जब ये होता है अब आपका यहाँ पर प्रूफ होता है कि हमारा ए बी डी किसके बराबर है, ए सी डी के बराबर है। आपको ये सारे सम्स एक बार प्रैक्टिस करने हैं, एक बार आपको सब देखना है, और जो डाउट्स है वो आपको रिवीजन करने और प्रैक्टिस करने हैं।